आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच आपको बता दें, मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्ब्स की वजह से ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि आज यानी कि 23 मार्च को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर आने वाले समय की बात करें तो 24 मार्च से तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि यूपी में मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। बता दें, नए अपडेट के मुताबिक 25 मार्च के बाद से तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार को मौसम विभाग के अनुसार 23 से 25 मार्च के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और 24 से 25 मार्च के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश के साथ साथ आंधी ओले भी गिरेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाके की बात करें तो आंधी तूफान और तेज हवा चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं बात अगर पंजाब से लेकर राजस्थान की करें तो वहां पर बिजली कड़कने के साथ तेज हवा के साथ हल्की बारिश के भी आसार है। साथ ही साथ यूपी में आज यानी 23 मार्च को मौसम साफ रहने वाला है और साथ ही साथ दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही दिन भर बादल छाए रहने की भी अनुमान है। आगे आपको बता दें कि बुधवार 22 मार्च को भी राजधानी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान कल 14.1 डिग्री रहा। इससे पहले जबरदस्त बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से कई राज्यों की फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि एक दिन बारिश ना होने की वजह से तापमान फिर से थोड़ा गर्म और बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। Sure.